तो गाइस स्वागत है मेरे YouTube चैनल आप आदित्य किले 22 स्पेस YT पे। आज हम जा रहे हैं एक किले को घूमने, मुझे पता नहीं वो कौन सा किला है। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, पूरे ग्रुप के साथ हम कॉलेज स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू विजिट किला। आपको मैं दिखाता हूँ किला कौन सा है। और अभी मेरा दोस्त इसको देखो, लुक एट हिम, आज इसका बर्थडे, इसके बर्थडे पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो गाइस इसके बर्थडे पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत सारा गिफ्ट दीजिए मेरे तरफ से। चलो आपको दिखाता हूँ किला कैसा है। ये रहे हम लोग, और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मेरे वो किला दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ये रहा किला, मुझे पता नहीं कौन सा किला, मैं आपको बता दूंगा। वी आर गोइंग टू जस्ट डू एडवेंचर, एडवेंचर करने हम लोग जा रहे हैं बस। ये भाई साहब इन्हीं का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे ब्रो। चलियो किले के गेट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। आगे मिलते हैं किले के गेट पे। पता नहीं कौन सा लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको किसी को आता है तो बस पढ़ लो। और देखिए क्या हरियाली है इधर चारों तरफ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अभी हम लोग उस गुरुद्वारा में गए थे, गुरुद्वारा में फ़ोन यूज़ करना मना था, तो मैंने उस जगह फोटोज़ बस क्लिक किए बाहर और ज़्यादा कुछ किया नहीं। वी ऑलमोस्ट रीच टू द किला के गेट पे, फोर्ट के गेट पे हम लोग अब जस्ट पहुँच ही गए हैं। उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। देखिए भाई साहब को फोटोग्राफी पे करा है ये लोग, तो चलो सही है। तो ब्रो गाइस जैसा कि मैं पहुँचने वाला हूँ इस किले के गेट पे, और किला तो भाई साहब बहुत सेक्सी यहाँ से लग रहा है। आइए मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ इसको कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो राइट नाउ? भाई देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है यार, अंदर से देखते हैं कैसा है। आइए अंदर जाकर देखते हैं कैसा है भाई। चलो मिलते हैं आपको अंदर में, देख लो हीरा किला ये जस्ट हमारे पीछे। अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का क्या सीन बनता है नहीं बनता है। भाई बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे दो, बस सर फोड़ दो, अपना जो कुछ करना है सब कुछ कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो। और हाँ कोरोना वायरस से बचते रहना, मास्क जरूर यूज़ करना, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बस ये वीडियो बनाने के चक्कर में मास्क मैंने। भाई लोग बड़े यूट्यूबर को तो सब यार हेल्प करते हैं, हमारा भाई बहुत मेहनत करता है यार, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो यार। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यस ही इज़ अ गुड मैन एंड ही इज़ इन माय बेड। ऐसा इंग्लिश बोला ना भाई, इसका सारा इंग्लिश निकल गया एक ही वीडियो में। हम लोग जस्ट किला के जस्ट नीचे है, अभी अंदर जाके अच्छा सराय लश्करी खान साहब का किला है। आप जैसा कि तो गाइस पंजाब हरियाणा सराय लश्करी खान साहब का किला, ये बहुत सही है। यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना यार। चलो आगे हम चलते हैं किला के। क्या सीन होता है मेरे को, ये कुछ दिख रहा है रूम मचाते हुए भाई साहब। भाई साहब क्या किला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, हम लोग जस्ट किला के गेट पे ही हैं और करने वाले फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द किला दैट फोर्ट।
लश्करी खान साहब का ये किला है और ऊपर में कुछ लिखा भी हुआ है उर्दू भाषा में, फारसी पता नहीं क्या है। और ये देखिए जस्ट हम लोग घुसे अभी अंदर, लोग सब यहाँ भी है, पूरे आए हुए बहुत सारे लोग। इंट्री विंट्री करके आपको बताते हैं फिर आगे का क्या है। मे बी पॉसिबल, क्या दिखाना भी हो सकता है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, यहाँ मूवी बनाना अलाउड है नहीं, वीडियो शूट नहीं कर सकता, बट मैं अभी फिर भी कर रहा हूँ चुपचाप। कोशिश करते हैं, यहाँ पे बंदे फुटबॉल वगैरह फेंके हुए, देखो दिख रहा होगा आपको छोटे छोटे, बस छोटे छोटे रूम्स है इधर, ये बहुत सारा बहुत पुराना है जैसा कि आप देख रहे हो। चारों तरफ पूरा सेम का सेम सब कुछ, प्लस बीच में एक कंपाउंड है बहुत बड़ा बड़ा सा। और जैसा ही गाइस आप देखे होंगे उधर, अपन लोग भी उधर से उधर उस वाले उस साइड रोड है उसका, और वो वाला पीछे से दिख रहा था वो चीज़, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इधर वीडियो शूट करना मना है बट फिर भी मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए, बस इतना मेहनत करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बस, और क्या, ढेर सारा प्यार दो, फिर मैं मिलता हूँ आपको बाहर। अभी ज़्यादा क्या हरियाली इधर भाई साहब। ओके ओके बंद कर रहा हूँ भाई, अब पूरा अंधेरा है इसमें। ये देखो इसका छत, छत आपको दिख रहा है शायद, हाँ दिख रहा है, पूरा अंधेरा है इसमें। तो पता है वो जो सरदार वहाँ पे बैठा है, तो वो उस जगह बैठा हुआ साला, मुझे हम लोगों को मना कर रहे हैं वीडियो बनाने से, उसी ने मना किया। बस ऑलमोस्ट हो गया, क्या लगता है क्या होगा? अबे हम फोटो खींच रहे यार, वीडियो बनाने के ना इसी बहाने थोड़ा सा अपना भी। भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए पीछे, अगर वो पकड़ेंगे तो बस समझ ही रहे हो। और कन्हैया हाउ आर यू फीलिंग ब्रो, जोर से बोल भाई। पूरा खंडर इधर, पूरा खंडर बन चुका है, कूदना है? वेट 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 वेट, हाँ आप कूदो। बर्थडे बॉय बहुत ज़्यादा खुश है आज, आज इसने हमें पार्टी देना है, अगर इसने पार्टी ना करा तो बस। कोई कुछ भी, कोई कुछ भी बोल रहा है, देख रहे बहुत गहरा कुआं ये, कबूतर आ सकता है भाई, हम नहीं आ सकते। ये मेन गेट है इधर,
ये मेन गेट आप ये सब देख रहे हैं। बाकी उधर से हम मेरे दोस्त ने बुलाया अभी हम जा गेट है। कितना पुराना लगभग आप लोग को लग रहा है कि ये किला होगा, कमेंट करके बताएं कि कितना पुराना ये किला हो सकता है। गाइस देखो अभी ये जो सीन आप देख रहे हो ये पूरा इसी जगह पे उस वहाँ पे उस साइड बैठा हुआ है पाजी, यहाँ का गार्ड, यहाँ पे पता नहीं पंजाब में कुछ लिखा हुआ है, इधर कहीं एक अमन भाई साहब का नाम भी लिखा हुआ है, ये अमन ये बुलौंडा हमारे पंजाब सरकार के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थान तथा अवशेषों से संबंधित संख्या इतना क्या उर्दू में है ये स्मारक पंजाब सरकार के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों करेगा। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे जो पाजी बैठे हुए थे उनसे पूछा कि ये किला किस चीज़ का है, किनका है, उन्होंने बताया लश्करी खान का किला है। और इस किले में वो जो लश्करी खान साहब थे उनके कोई गेस्ट वगैरह आते थे अगर दूर दूर से आए तो उनके सिपाही और उनके जो घोड़े वगैरह हाथी वगैरह थे पालकीदार सिपाही वगैरह वो लोग यहाँ पे रहते थे। ये एक तरह का गेस्ट रूम गेस्ट हाउस जो भी आप कहें। तो ये था वही था उस जमाने का लखीसराय खान साहब का। लखीसराय कहाँ से हो गया भाई? कौन सा सराय थे? लखसराय। अच्छा नहीं कौन से थे मतलब जो भी थे जो भी थे वो गुजर गए। चलो ठीक है। तो ये था एडवेंचरस वीडियो और एक ब्लॉग मेरे तरफ से और मेरे दोस्तों के तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो उसे मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ठोक दो कमेंट भी ठोक दो। जो वाइट हो रहा है उसको ब्लू करो, बस जो वाइट हो रहा है उसको वाइट करो, जो रेड हो रहा है उसको ग्रे में दबा दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी, मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए गाइस। और बहुत सारा प्यार दीजिए और कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत कोई गलती हो, क्या सुधार करना है नहीं करना है वो सब बताइए आप। और पर्यटक सुधर भी आए हुए हैं, पर्यटक क्या यार ज़्यादा तो कुछ नहीं है बट जो भी है अच्छा है। लास्ट व्यू फ्रॉम दैट फोर्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो होप करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई सुधार चाहते तो सुधार तो ज़रूर चाहते होंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कोरोना वायरस से सेफ रहिए और मम्मी पापा सबको खुश रखिए, देश को भी खुश रखिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बाय बाय। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और इस भाई का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे वंस मोर ब्रो, थैंक यू सो मच। और बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज की तरफ, ये भाई साहब अपने घर चले जाएंगे पार्टी वार्टी लेके। और बस तो यही था हमारे साइड से और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे जैसे तोड़ रहा है वैसे आप भी तोड़ देना, फिर आपका वीडियो तो आएगा वो बहुत ही मिलेगा। और मैं इसी टाइप के क्रिएटिव वीडियोज बनाने की कोशिश करता रहूँगा और जॉब अपडेट्स मेरे चैनल पे, जैसा कि आपको पता है कि जॉब अपडेट्स मैं जॉब अपडेट्स नमस्ते।
बाय बाय। तो गाइस एक और संवेदनशील बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये जो मास्क देख रही है कोरोना वायरस के लिए मैंने पहन रखा है, और सेफ्टी के लिए भी पहन रखा है, तबीयत भी खराब था इसी वजह से। देखिए क्या है, तो भाई साहब जब आपने कैलाश भाई एक कोई है कैलाश जो कि गुमशुदा है, गुम गए हैं, हो गए हैं, और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर नंबर भी दिया हुआ है जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनकी जानकारी दे सकते हैं, और 20,000 रुपये इनाम के तौर पर आपको दिया जाएगा। तो भाई अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और उस नंबर पे कॉल करके उस गुमशुदे आदमी की जानकारी उनके परिवार तक पहुंचाए और कोरोना वायरस से अपने आप को बचाए।